हाँ जी मित्रों, मैं हूं मेकअप लोर। आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। वीडियो को अंत तक देखते रहना यार, हर गए चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना भाई। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। बर्तन में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो क्या भाई, रजत दलाल अभी भी जेल के अंदर बंद है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली आप लोग को पता होगा आज से यार एक हफ्ते पहले रजत दलाल की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने एक 18 साल के लड़के को भाई काफी ज्यादा मार पीट दिया था, उसके मुंह पे भाई सूसू वगैरह कर दिया था, उससे उठक बैठक कराया था और उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसी वजह से भाई उनको अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वो एक दिन के लिए भाई जेल में भी थे। लेकिन अगर आप लोग यार रजत दलाल के इंस्टाग्राम आईडी को यार रेगुलरली फॉलो वगैरह करते हो, आप लोग यार देखते हो उनके स्टोरीज वगैरह, तो आप लोग को पता होगा कि अराउंड एक हफ्ते के आसपास से रजत दलाल भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव तक नहीं आए हुए हैं। एंड मैं आप लोग को बता दूं यार कि वो हमेशा एक्टिव रहा करते थे इंस्टाग्राम पे, चाहे वो प्रमोशन करते हों, चाहे अपनी फिटनेस की वीडियोस वगैरह शेयर करते हों, कॉन्ट्रोवर्सीज करते हों, लेकिन यार वो हमेशा एक्टिव रहते ही थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जहां रजत दलाल ने भाई एक दिन स्टोरी न डाली हो, लेकिन एक हफ्ते से भाई वो एक्टिव ही नहीं है। तो क्या भाई रजत दलाल अभी के टाइम पे अभी भी भाई जेल में बंद है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए लक्ष्य चौधरी, रैंडम सेना, सम्राट भाई एंड कुछ और भी लोग यार अभी रिसेंटली कल ही एक ट्विटर स्पेस किए थे, जहां पर वो लोग यार बात करते हैं, ऑल्सो ट्रोल भी करते हैं रजत दलाल को कि रजत दलाल भाई अभी भी जेल के अंदर बंद है, कैसे छूटेगा वो अब। ऑल्सो उसी ट्विटर स्पेस में आप लोग छोटी सी क्लिप को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को आइडिया हो जाए। लक्ष्य जी, हाउ आर यू? यो ब्रो, कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया यार। क्या चल रहा है? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। जो उस दिन लाइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान जिसने डाला था, अंकित बहन बुरिया स्काउट वगैरह, उनके स्क्रीनशॉट है किसी के पास? वो मुझे भेज देंगे? क्यों, क्या क्या हुआ? वीडियो बना रहे हो? हां, किस पे, क्यों डाली? यही अपने जो कट्टर हिंदू शेर बने घूम रहे हैं इंटरनेट पे ना, टीका लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टॉपिक कहीं बहुत पुराना पुराना सुना हुआ लग रहा है। अच्छा, मैंने ही तो बनाई थी वीडियो। तुम थोड़ा अभी देखना, तुमसे तो बढ़िया। मैं तो भाई अच्छा मौलाना होगी वो भाई, वैसे ही छोड़ो। लक्ष्य भाई यार एक चीज सुनाऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम मना नहीं करोगे। चलो लाइन करा इसका ना, वही होगा भाई टिकटॉक वाला। और क्या, नहीं नहीं, नहीं नहीं, तुम जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाए। नहीं नहीं, अरे पागल हो गया। दे भाई मैं ये कह रहा था, गुजरात जेल में किसी की लाइन है क्या? बहुत दिन होगा गाने नहीं सुने होंगे, भाई ने तो डिप्रेशन में चला गया होगा वो। भाई मुझे स्क्रीनशॉट दिलवा दे यार कोई। भाई जो भी लोग सुन रहे हैं भाई इस पेज के नीचे हमारे लक्ष्य भाई की मदद करिए, स्क्रीनशॉट डालिए फटाफट। आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे आई नो। लक्ष्य भाई से एक रिक्वेस्ट है। या ब्रो, भाई एक वीडियो रजत दलाल पे कोलैब भी करा होगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोलैब नहीं भाई, कोलैब तो सब कर रहे हैं भाई। वो एक एक अरे 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 नहीं यार, रुको, लक्ष्य को ना भी हंसा देते हैं अपन, ठीक है? 3 2 1 ओ बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है यार कि सच में रजत दलाल यार जेल के अंदर बंद हैं? मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो अभी के टाइम में भाई ध्रुव राठी को उनके न्यू वीडियो की वजह से भाई उनको बहुत ज्यादा यार ट्रोल किया जा रहा है। आप लोग को पता होगा अभी के टाइम पे यार नीट रिजल्ट के साथ में भाई क्या कुछ स्कैम वगैरह हुआ है, जहां पर भाई 60 से भी ज्यादा बच्चों को फुल ऑन मार्क्स मिल गया है। एंड ऑल्सो वही ऑन द अदर एंड यार बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि भाई पास तक नहीं हो पाए हैं। काफी बड़ा स्कैम हो गया है ये नीट के अंदर। तो बहुत सारे जो ध्रुव राठी के फैंस हैं वो भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी यार इस स्कैम के ऊपर भाई वीडियो बनाएंगे, जो कि ध्रुव राठी ने बनाया भी। लेकिन उस वीडियो से एक पार्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जिस पार्ट को भाई शेयर करके लोग यार ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। क्या कुछ ट्रोलिंग हो रही है भाई ध्रुव राठी को, मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ है, तो काफी सारे लोगों ने आस रखी थी कि ध्रुव भाई आएंगे और ध्रुव भाई सबका सोल्यूशन देंगे। एंड ध्रुव भाई ने बहुत ही प्यारा सोल्यूशन दिया है, इसको ध्यान से 30 सेकंड के लिए सुनो। 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना। एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता, इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में।
द YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है स्टूडेंट 45। इसका मतलब भाई अगर स्कोर कम आ रहा है सुसाइड मत करो, मेरा YouTube का कोर्स ले लो। अब अगर ध्रुव राठी के रिलेटेड बात चली रही है तो बात कर लेते हैं एलवी यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा कि ध्रुव राठी मल्टीपल टाइम भाई एलवी यादव को पोक करते रहते हैं। ऑल्सो वहीं ऑन द अदर एंड जो एलवी यादव हैं वो भी पोक करते रहते हैं ध्रुव राठी को। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को एक न्यूज दी थी कि जो ध्रुव राठी है उन्होंने एलवी यादव को कुछ गंवार काइंड यार बोल दिया था कि तुम अनपढ़ हो इस तरीके से। तो एलवी यादव अपनी रीसेंट वाली वीडियो में ध्रुव राठी की उसी कमेंट का रिप्लाई करते हैं जिसमें भाई ध्रुव राठी काफी ज्यादा पर्सनल हो गए थे एलवी यादव से। एलवी यादव ने क्या कुछ कहा भाई देखिए आप लोग। इतनी सारी चीजें मैंने बोली थी कि जिन जिन से कनेक्शन थे हमारे भाई साहब के, एक चीज़ का सिंगल रिप्लाई नहीं दिया गया अब तक। देख ली होगी ना खूब वीडियो, खूब ट्रिगर भी हो रखा भाई। जब एक इंसान ट्रिगर होता ना, जब जवाब नहीं होता कि यार कैसे जवाब दें, तो वो पर्सनल जाता है। जैसे कि हमारे ध्रुव भाई जा रहे हैं पर्सनल, गवार बोल दिया, अनएजुकेटेड बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, भाई ट्विटर पर जाके चेक करना। अब मैं एक चीज़ देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है, फिर बहुत अच्छा लगा कि लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग उसकी पुरानी वीडियोस उठा के फैक्ट चेक कर रहे हैं खुद से पर्सनली, और जो कि गलत निकल रहा है, पुरानी भी नहीं, नई जो लेटेस्ट ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता है वो, उसके भी काउंटर निकाल रहे हैं लोग कि भाई गलत बोल रहा है, ये कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि भाई लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग अच्छी चीज़ को यानी कि सही चीज़ को, ये भी नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत भला आदमी हूँ, नहीं, सही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो मेरे थ्रू बोली गई हैं वीडियो में बातें, वो गूगल पे भी हैं, तो गूगल पे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। और ध्रुव भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, जो कि आप देख रहे हो, आपकी टीम देख रही होगी, आप ना देखो, आप तो बड़े आदमी हो, जर्मनी में रहते हो, वहीं की सिटीजनशिप होल्ड करते हो, यहाँ वोट नहीं देते हो, इंडिया को इंडिया के साथ अपना नाम जोड़ने में भाई को शर्म भी आती है, जाके ट्विटर चेक कर लेना, इंजीनियर रिवील्स की ट्वीट्स देख लेना, वीडियोज़ देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना। तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहता हूँ, ब्रो मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं पर्सनल लेवल पे, बात चल रही थी सही गलत थी। ऑल्सो अगर एलवी यादव के रिलेटेड बात कह रहे हैं तो क्या भाई एलवी यादव ने किसी यूट्यूबर की भाई कॉपी कर ली? तो ग्लूकस जिन्हें ऑलरेडी यार आप लोग जानते होंगे काफी ज्यादा पॉपुलर हैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो एलवी यादव ने अभी अपने चैनल पे जो एक कल ब्लॉग अपलोड किया है, अगर आप लोग उसके थंबनेल को देखो तो वहां पर भाई एलवी यादव ने नीचे ग्लूकस का भाई थंबनेल यूज किया हुआ है। तो ग्लूकस यार इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो ये चाहते हैं कि एलवी यादव भाई ये थंबनेल यूज करने के लिए उनको क्रेडिट दे। एंड ग्लूकस ने इसके रिलेटेड एक ट्वीट किया एलवी यादव को टैग करके जिसमें कहते हैं, डियर एलवी यादव, यू यूज माई थंबनेल विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और गिविंग क्रेडिट्स टू मी, डिडंट इवन टॉक अबाउट मी, सो इस वीडियो में मेरा थंबनेल यूज क्यों किया, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू यूजिंग इट, बट प्रॉपर क्रेडिट्स तो दे दो यार। ग्लूकस की इस वाली ट्वीट के नीचे में यार उनको बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई तू भी तो यार एलवी यादव का यार फोटो वगैरह यूज करता है इस तरीके से। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई एलवी यादव एंड ग्लूकस की सीन के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं समय रैना के बारे में। तो भाई समय रैना ने बहुत गंदा भाई ट्रोल कर दिया मुनव्वर फारूकी को। आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली यार न्यूज आई थी कि मुनव्वर फारूकी की भाई दोबारा से शादी हो गई, जो कि एक्चुअल में भाई रियल न्यूज थी। तो रिसेंटली अभी समय रैना यार जब अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि समय भाई आप मुनव्वर की शादी में क्यों नहीं गए, बिकॉज यार वो मुनव्वर के बेस्ट फ्रेंड है। तो समय रैना ने भाई मुनव्वर को बहुत गंदा ट्रोल कर दिया अपनी वीडियो में, देखिए आप लोग की वो क्या कुछ कहते हैं। रजत दलाल का कंट्रोवर्सी, ताला सॉन्ग, फारूक की वेडिंग, मैं हाँ यार मुनव्वर की शादी हो गई मैं जा नहीं पाया, आई डीएम्ड हिम दैट आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट वन। तेजस सावंत, सारी बातें एक तरफ एंड समय रहना का भाई ह्यूमर और सरकैज़म भाई एक तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा कल था भाई यूएसए वर्सेस आयरलैंड का, जहां पर भाई आयरलैंड को यूएसए को हराना था, एंड तभी पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के लिए T20 वर्ल्ड कप में यार क्वालिफाई कर पा। लेकिन भाई जो कल का यूएसए वर्सेस आयरलैंड का मैच है भाई वो हुआ ही नहीं, मैच अबैंडन हो गया, मतलब कि भाई इतनी बारिश हो गई कि वो मैच ही नहीं हुआ। एंड एज पर रूल भाई मैच जो है वो अबैंडन हुआ, इसकी वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई एंड यूएसए भाई टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर ली। अब जैसा कि भाई मैंने आप लोगों को बताया ही कि ये सुपर 8 के लिए भाई हो रहा था, सेमीफाइनल्स के लिए भी नहीं हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान भाई सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऑल्सो बहुत सारे फैंस भी यार पाकिस्तान के डिसअपॉइंटेड थे, मैं आप लोगों को कुछ क्लिप भी दिखा देता हूं जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई पाकिस्तानी फैंस कितने डिसअपॉइंटेड हैं, देख लिए आप लोग। तो भाई ये किसी ने बता दिया कि वो छोटा वाला ब्लाउज पहन लिया करें, बाबर भाई आपके चीचे नजर आते हैं, आप भागते हैं तो लटक रहे हो, हैं वो तू पहन के खेल रहा है, सारी चीजें हैं
सारे इन गार्ड सिंगार्ड विंगार्ड सेफ गार्ड सब लिए हुए, तूने रन तेरे पास नहीं है, तू ये बेगैरती मचाने गया था वहां पर वहां पे। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कंडीशन के ऊपर यार, अपनी ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। अगर क्रिकेट क्रिकेटर बात कह रहे हैं तो बात करते हैं वीरेन सहवाग वर्सेस बांग्लादेशी प्लेयर शाकिब अल हसन के बारे में। तो हाँ भाई, शाकिब अल हसन एंड ऑल्सो वीरेन सहवाग के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। हुआ क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि पास्ट डेज में भाई जो शाकिब अल हसन है उनका बांग्लादेश के लिए यार इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है, लाइक वो काफी ज्यादा डाउन गिर जा रहे हैं एंड T20I वर्ल्ड कप में भी उतना हमें कुछ खास परफॉर्मेंस उनका देखने को नहीं मिला था। तो उसके ऊपर यार जो वीरेन सहवाग है उन्होंने भाई ये कह दिया था शाकिब अल हसन को कि तुम कोई मैथ्यू हेडन या फिर एडम गिलक्रिस्ट नहीं हो जो तुम पुल शॉट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेल पाओ या फिर पुल शॉट जो है वो शॉर्ट बॉल पे खेल पाओ, तुम एक नॉर्मल बांग्लादेशी प्लेयर हो। अब ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया था भाई वीरेन सहवाग ने शाकिब अल हसन के लिए। लेकिन शाकिब अल हसन यार शायद से इस वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बिकॉज अभी रिसेंटली यार जब उनसे पूछा गया कि वीरेन सहवाग ने आपके बारे में ये सब बोला तो शाकिब अल हसन ने भाई डायरेक्ट बोल दिया किसने, मतलब कि उन्होंने बोला हू, मतलब कि भाई वो वीरेन सहवाग को पहचानने से भी मना कर दिए। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है यार वीरेन सहवाग के इस स्टेटमेंट के ऊपर एंड ऑल्सो शाकिब अल हसन के यार सेविस रिप्लाई के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं रशीद्रू के बारे में। तो भाई रशीद्रू को मिल चुका है वन ऑफ द शॉकिंग कोलैबोरेशन। बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने इसके रिलेटेड कल एक ट्वीट किया था जिसमें कहते हैं जैपनीज एडल्ट प्रोडक्शन कंपनी वांट्स टू स्पॉन्सर मी फ्री फ्लाइट स्टे एंड वांट्स मी टू मेक अ वीडियो विद स्टार्स कॉज दे लाइक माई रेंटिंग गर्लफ्रेंड वीडियो। तो बेसिकली हुआ क्या कि जापान की एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है जो कि भाई वो वाली वीडियो बनाती है, आप लोग समझ गए होंगे कौन वाली वीडियो, वो लोग यार ये चाहते हैं कि उनकी वीडियो में भाई रशीद्रू आए एंड ऑल्सो वो उनकी जो पी स्टार्स होती हैं उनके साथ में भाई वीडियो शूट करें एंड वो पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई, यानी कि पूरा फ्री में रशीद्रू जाएंगे वहां वीडियो शूट करेंगे ऑल्सो भाई मजे भी लेंगे एंड वापस भी आ जाएंगे फ्री में। मतलब क्या क्या कोलैबोरेशन आजकल आने लगा है यार। ऑल्सो क्रेजी दीप ने यार इस कोलैबोरेशन के ऊपर यार रिएक्ट किया जिसमें उन्होंने कहा भाई मुझे ले चलो यार। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है इस कोलैबोरेशन के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। भाई पुनीत सुपरस्टार को आ गया हार्ट अटैक एंड इसके वजह से भाई वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसका अपडेट दिया भाई थारा भाई जोगिंदर ने, देखिए आप लोग। भाई पुनीत भाई को हार्ट अटैक हो गया है और आज है ना मेरे को सच में रोना आ रहा है कि क्या बताऊं। पुनीत भाई एडमिट है हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब अभी चेकअप कर रहे हैं। काफी लोगों के कमेंट देखे थे जो ये लोग हंस रहे हैं ना, तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। जब ये सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आएगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, कभी किसी को ऊपर ना हंसना नहीं चाहिए। हालत देख रहे हो इनके दिल पे क्या बीत रही हो यहाँ पर। ऑल्सो जब ये वीडियोस यार वायरल होने लगी तो बहुत सारे लोगों को भाई अभी ये लग रहा है कि पुनीत सुपरस्टार एंड थारा भाई जोगिंदर भाई हमेशा की तरह पब्लिक को पागल बना रहे हैं, बिकॉज उनका कंटेंट ऐसा है कि भाई लोग यार यकीन भी नहीं करते। एंड अगर तो यार पुनीत सुपरस्टार को सच में यार ऐसा कुछ हुआ है जिसमें यार उनकी तबीयत वगैरह ज्यादा ही खराब हो गई है तो यार मैं यही यार दुआ करूंगा कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई इस इंसिडेंट के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस इस वजह के लिए इतनी न्यूज थी, आगे जो भी न्यूज बनेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। एंड हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। और यहां पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूं एंड मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।